नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धार के मनावर में बाबा रामदेवरा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। खबर, मध्य प्रदेश के धार के मनावर डेढ़गांव में बाबा रामदेवरा का भंडारा का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक ही परिवार द्वारा किया जाता है। विनोद, इसके पिता देवी सिंह, इसके समस्त ग्राम वासियों को और ग्राम के आसपास क्षेत्र वासियों को भंडारा बाबा रामदेवरा के नाम से किया जाता है। इस भंडारे में 10 से 15 गांव के भंडारे की प्रसादी ग्रहण करने ग्रामीण जन आते हैं और प्रसादी भोजन किया जाता है, जो स्वयं विनोद के व्यय पर भंडारा किया जाता है। विनोद इसके का कहना है कि यह भंडारा हमारे यहां लगातार 10 साल से चला आ रहा है और बाबा की कृपा रही तो हमेशा ये भंडारा दिया जाएगा और बाबा का मंदिर भी बनाया जाएगा। यहीं पर हमारी हर मनोकामनाएं बाबा द्वारा पूर्ण की जाती है और ग्राम वासियों की भी मनोकामना पूर्ण की जाती है। इस भंडारे से ग्राम में सुख शांति और भाईचारे का संदेश मिलता है, इसलिए ये भंडारा किया जाता है और बाबा की प्रसादी दी जाती है। बाबा रामदेव के चित्र पर माला चढ़ाने के बाद आरती की जाती है, जिसमें समस्त ग्रामवासी आरती में भाग लेते और आसपास के क्षेत्रवासी भी भाग लेते हैं और ग्रामीण जनों का इसके परिवार द्वारा बड़ा जोरदार स्वागत भी किया जाता है। ग्राम के समाज सेवक के द्वारा भंडारे को सफल बनाया जाता है और किसी प्रकार की भंडारे में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए सभी के सहयोग से बाबा का भंडारा सफल होता। धार जिले से संवाददाता चैन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कितने श्रद्धालु आ जाएंगे भंडारे में प्रसाद लेने? 700-800 हजार के अंदर। भोजन क्या बनाया था आपने? भोजन होगा ये 1000-1200। प्रसादी में क्या क्या बनाया था आपने? सब्जी, चावल, प्रसाद। कितने साल से तेरे भंडारा? ये 10वां वर्ष है। कहाँ रहते हो? यहाँ किस कार्यक्रम में आया? ये भंडारे में आया इन्होंने भैया का। कितने वर्षों से चल रहा है भंडारा? 10 साल से चल रहा है। आप कोई सहयोग राशि देते हो? सहयोग राशि हमारे से बनती है वो देते हैं।